फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि काफी हम उसको यूज करते हैं। आपको पता है, हम एक नए रोज एक नए टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर अक्सर हम बोलते हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये काम कर लेता, अगर तुम्हारा बस चलता तो आप ये काम करते, ठीक है? जैसे अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको पलकों में बिठाता, अगर उसका बस चलता तो मुझे पीटता, ठीक है? अगर उनका बस चलता तो मुझे पैसे दे देते, अगर उसका बस चलता तो मैं आ जाता, ठीक है? अगर उसका बस चल कार खरीद लेता, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस उसको किस तरह बोलते हैं, इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इफ सब्जेक्ट बस चलता है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ सेंटेंस भी हम देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। टीचर, आपको मैं एक बार वो बता देता हूँ। इफ आप यूज करिए सब्जेक्ट हैज या हैव, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। इसी किसी का नाम है तो आपको हैज लगाना है, और कोई भी जैसे यू बी दे ये है तो आपको हैव लगाना, उसके हिसाब से आपको पैसे पे आना और वे यूज करना है। तो इसको चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके स्ट्रक्चर रहेगा। इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैज लगाना है या हैव लगाना। कोई थर्ड पर्सन है तो हैज लगाइए, कोई भी सिंगुलर है तो उसके साथ हैव लगा हैज लगाइए, और यू बी दे आई के साथ हैव लगाना आपको, और इसके साथ पैसे पेस लगाना और वे, ठीक है? बस चलो, बस चले, अगर मेरा बस चले, यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए, अगर बस चले, ठीक है? तो इसी पहला एक एग्जांपल है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे रोकता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे रोकता। तो आई तो आपको सबसे पहले लगाना है, इफ आई हैव माय वे आई स्टॉप हिम, इफ आई हैव माय वे, ठीक है? स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, एक लगाना है सब्जेक्ट लगाना है, हैज और हैव लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आपको हैज लगाना है, फिर पजेसिव केस और वे। अगर मेरा बस चलता, इफ आई हैव माय वे, इफ आई हैव माय वे आई स्टॉप हिम, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसको रोकता, अगर उसका बस चलता तो मैं आ जाता। तो यहाँ पे हम इस थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। इफ ही हैज हिज वे, अगर उसका बस चलता, जैसे केस है यहाँ पे हिज, इफ ही हैज हिज वे ही कम्स, अगर उसका बस चलता तो मैं आता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको पलकों में बिठाता, अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको पलकों में बिठाता। इफ आई हैव माय वे, इफ आई हैव माय वे, पलकों में बिठाना होता है हैव, ठीक है? जो भी पर्सन हो, आपा बोल हैव, आपा बोल मतलब अगर आपको कोई भी हो सकता है तुम उसे, तो उसके हिसाब से आपको पैसे पेश करवाना। आई हैव यू, आपा बोल तो मैं आपको पलकों में बिठा था। इफ आई हैव माय वे, अगर मेरा बस चलता, आई हैव यू, आपा बोल मैं आपको पलकों में बिठा था, अगर उसका बस चलता तो वे मेरी मदद करते, अगर उनका बस चलता तो वे मेरी मदद करते। इफ दे हैव देयर वे, देयर वे मतलब हमें हम दे की बात कर रहे थे, दे का पैसिव केस क्या होता है, देयर, ठीक है? इफ दे हैव देयर वे, अगर उनका बस चलता दे हेल्प मी, अगर उनका बस चलता तो मेरी मदद करते। इफ दे हैव देयर वे दे हेल्प मी, मेरी मदद करते, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा देता, अगर मेरा बस चलता। इफ आई हैव माय वे आई मेक यू लर्न इंग्लिश, इफ आई हैव माय वे आई मेक यू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह हम यूज करते हैं, अगर आपका बस चलता है किसी काम के लिए, ठीक है? तो इस तरह हम इसका यूज करते हैं, इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। सो फ्रेंड्स, यदि आज की क्लास, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर।